सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यूपी विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद नया शगुफा छोड़ दिया। बता दें उनका कहना है कि पूर्वांचल के 122 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर निर्णय बीजेपी कार्यालय में हुआ, जबकि उन्हें सिंबल बहुजन समाजवादी पार्टी कार्यालय में दिया गया। उन्होंने दावा किया कि वो इसका सबूत भी दे सकते हैं। ओपी राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चाहे बसपा हो या कांग्रेस, से चार बार सत्ता में रह चुकी पार्टियों ने बीजेपी को समर्थन दिया है, उनके वोट कहां गए। उन्होंने कहा कि हमने विधानसभा चुनाव वार रिव्यू करने का निर्णय भी लिया, उनके रिपोर्ट्स में हमारी जो कमियां मिलेंगी जिन्हें हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो 122 सीटों पर बीजेपी ने, बसपा ने प्रत्याशी तय किए। ओपी राजभर का यह बड़ा दावा, वही मतगणना के पहले नवीन मंडी के गेट पर सरकारी गाड़ियों को चेक करने के मामले में हुई कार्रवाई, बता दें जिसमें करीब 17 नामजद और 30 अज्ञात सपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR दर्ज की गई। ये कार्रवाई सरकारी कार्य में अवरोध और जनता के बीच भ्रम फैलाने के मामले में हुई है। बता दें कि सपा के कार्यकर्ता अखिलेश यादव के निर्देश पर गाड़ियों को चेक कर रहे थे। तो एक तरफ जहां हमने वो तस्वीर भी देखी जब सपा के कार्यकर्ता गाड़ियों को चेक कर रहे थे मतगणना से पहले, और उसके बाद इन लोगों के ऊपर FIR दर्ज की गई है।